एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और अभी आप देख रहे हैं एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री 7 डे मॉड्यूल से अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है ना, इसमें यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ आप प्रोटीन बताइए, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इन शॉर्ट बोलू, प्रोटीन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रोटीन के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, मतलब प्रोटीन अपना बनता कैसे है, और फिर मैं आपको सारे अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि बहुत काफी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। देखो, उसके मुख्य कारण ये थे कि अभी 20 दिन पहले मेरे दादाजी की एक डेथ हो गई थी, दैट इज वाई मैं वीडियो नहीं बना पाया। और उससे पहले मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहां पर मुझे हो गया था डेंगू। तुम अभी देख भी पा रहे हो मुझे, मेरा 5 से 6 किलो वजन डेंगू में कम हो गया। तो पहले तो मुझे डेंगू हो गया, फिर दादाजी की डेथ हो गई, और फिर मेरी मॉड्यूल्स आ गई थी एनाटॉमी की, मैं उसमें बिजी हो गया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया काफी टाइम से। मुझे खुद को बायोकेमिस्ट्री खत्म करके फिजियोलॉजी पढ़ाना था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें फिजियोलॉजी पढ़ाऊँ। तो यार, अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ, मैं रेगुलरली आप सबको वीडियो दूंगा। ये देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस करा है ना कि मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो मैं मेरा प्रॉमिस हर बार निभाता हूँ और मैं निभाऊंगा भी, ठीक है? तो अब रेगुलरली आपको एक लेक्चर वीडियो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो सबसे पहले बात आती है, सर ये प्रोटीन बनता कैसे है? तो देखो, प्रोटीन अपना बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की वीडियो में तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लिंक आई बटन में, नहीं देखा तो एक बार और समझा देता हूँ। अपना कंपाउंड जिसके अंदर अपना एक रहता है COOH, आप देख पा रहे हो COOH, और एक अपना NH2। अगर ये चीज आपको किसी भी कंपाउंड में देख गई तो वो अपना होता है अमीनो एसिड। देखो, आप यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर, ठीक है? अब बात आती है जिस तरीके से आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, जाहिर सी बात है वो किससे बना है, वो अपने बनाए ईंटों से। जब एक ईंट पे ईंट रखाती है और उन दोनों के बीच में सीमेंट डलती है, बिल्कुल मिस्त्री वाले लेवल पे आ चुका हूं मैं तुम्हारे लिए। जैसे ईंट पे ईंट रखाई और उनके बीच में सीमेंट डलेगी तो एक पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। सिमिलरली प्रोटीन भी उसी दीवार की तरह होता है, बस फर्क ये है ईंट की जगह अपना होता है अमीनो एसिड। और जिस तरीके से एक ईंट दूसरी से सीमेंट से जुड़ी है ना, वैसे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अपना जुड़ता है एक बॉन्ड से, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब तुम यहाँ पे देखो, ये एक अमीनो एसिड है तो, और ये अपना दूसरा अमीनो एसिड है, ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सिमिलरली ऐसे ही अपना क्या, बॉन्ड बनते जाएंगे और अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, और अपना प्रोटीन का पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं तुम्हें बना के बताता हूँ कि सर ये पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली में बनता कैसे है। अब देखो, मैं तुम्हें ना पहले पूरा क्लियर करता हूँ। तो अपना एक अमीनो एसिड है, उसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसमें से अपन ले लेते हैं OH, और दूसरे अमीनो एसिड से अपन जो NH2 ग्रुप रहता है ना अपना, उससे ले लेते हैं H, और इन दोनों के बीच में से अपन निकाल देते हैं कुछ इस प्रकार से पानी। और जैसे अपन इन दोनों के बीच में से पानी निकाल देंगे, मतलब अपना H2O निकाल देंगे, अपना यहाँ पे बन जाता है एक बॉन्ड, जिससे अपन बोलते हैं, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसे अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या हुआ, सिमिलरली अगर ये अपना अमीनो एसिड 1 है, ये अपना अमीनो एसिड 2 है, ये दोनों अपने जुड़ गए एक बॉन्ड से, इसमें बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ गए। अगर यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड होता ना, तो वो भी पेप्टाइड बॉन्ड बनाता और यहाँ पे जुड़ जाता, फिर अपना चौथा अमीनो एसिड। ऐसे करके ना अपना अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते और एक पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेते। तब तो समझ में आ गया होगा कि भैया प्रोटीन बनता कैसा है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। तुम याद, तुम ऐसे कर लो कि एक बहुत फेमस अक्षय कुमार की मूवी है ना बॉस, उसमें डायलॉग है, अपन को क्या करना है, अपन को बस पानी निकालना है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना। तो बस यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए आपको दो अमीनो एसिड के बीच में से क्या निकालना है, पानी निकालना है, और आपका बॉन्ड बन जाता है, ठीक है? तो बहुत फनी है, मैंने तुम्हें ये सारी चीज बता दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि भैया प्रोटीन के कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर। अब क्या रहता है ना, प्रोटीन में अपना एक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता बस। अब तुम बॉन्ड जो होता है ना, अब तुम बॉन्ड को ना अलग लेवल पे ले जाते हो सर, प्यार का बॉन्ड, मोहब्बत का बॉन्ड। देखो, आशिक पने से अंदर आओ, मैं आपको बोल रहा हूँ बॉन्ड एक पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, आयनिक इंटरेक्शन भी होते हैं। सो बॉन्ड ना बहुत प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो तुम? तो क्या रहता है ना, जब एक अमीनो एसिड में सिर्फ अपना बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा, ये देख रहे हो, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर में, जिसमें इस तरीके से एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से बड़े ही साधारण तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, इसे अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन में कुल मिला के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लीनियर चेन होती है अपने प्रोटीन की। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है ना,
अपना जो पहले पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड बनने लगता है जो कि अपना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अपना जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना हल्का सा राउंड हो जाता है, तो सब हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, अगर उनके बीच में एक और इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो कैसा हो जाएगा, यानी ट्विस्ट हो जाएगा ना। तो एक हमारा बनता है अल्फा हेलिक्स, और जब अपने दो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं और उन दोनों के बीच में अगर ऐसे बॉन्ड बनने लगे तो वो अपना बन जाता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। फिर क्या रहता है ना, जब ये अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है अल्फा हेलिक्स, जब इसके अंदर फर्दर और बॉन्ड बनने लगे हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, जैसे आयनिक बॉन्ड या फिर अपन देखें इसके अंदर ना हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होने लगे, तो ये क्या करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी कुछ इस प्रकार से है, अगर इसमें और बॉन्ड बनेंगे तो ऐसा ना पूरा एकदम राउंड हो जाएगा, तो राउंड सा वो गुड़मुड़ सा जाएगा, वो बना लेगा एक 3D स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना यही अपना एंजाइम की तरह काम करता है। तो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, फिर अपना एंड आ जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब क्या रहता है ना, तुम अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पूरा तुम्हें क्लीन करता हूँ, तुम देखो बनाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, टर्शियरी स्ट्रक्चर पे एक प्राइमरी था वो पहले बना सेकेंडरी, फिर उसमें अंदर और बने और वो ऐसा बन गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसको अपन बोलते हैं एक पॉलीपेप्टाइड। मतलब क्या होता है ना, जब अपनी एक लीनियर जो चेन होती है ना पूरी प्रोटीन की, तो अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो अभी अपन ने ये एक पॉलीपेप्टाइड बनाई, इसको अपन बोलते हैं ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। सिमिलरली अपने पास एक और है, एक ए नाम की पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और पॉलीपेप्टाइड है जो कि अलग है, मैं नीले कलर से बना रहा हूं, जो कि है बी पॉलीपेप्टाइड। तो ये अपने पास क्या है, अपने पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर क्या है, अपने एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है। जैसे कि देखो ए की दो है और बी की दो है, तो कोई भी अगर प्रोटीन हो जिसके अंदर अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो उसे अपन बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ना ये अपना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये बेस्ट एग्जाम्पल अपना होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का। सो मैंने आपको पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बता दिए, बट देखो बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, बात अब आ जाती है यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, और अपन इसके अंदर और डिटेल में भी जाते हैं, क्योंकि अभी अपन बहुत सुपरफिशियली जो नीट के टाइम जो आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको सारी बच्चों वाली चीजें रिवाइज करवाई है। तो अब अपन आ जाते हैं थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं अपन अपने नोट्स से। सो चलो ये मेरे नोट्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। और इस नोट की खास बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है, कि आप मात्र 7 दिन में अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकते हो, और ये नोट्स मेरे ट्रांसपोर्ट में बहुत जल्द आने वाले हैं। चलो मैं तो मैं हाईलाइट करता हूँ मेन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोटीन क्या है। देखो यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना, यूनिवर्सिटी में पहले बता दूं, पहले अपन डालते हैं हेडिंग और फिर पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है आपको। तो पहले आप प्रोटीन की हेडिंग डालोगे, फिर आप उसमें लिखोगे पहला पॉइंट कि प्रोटीन क्या है, ये अपने पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के, मतलब अमीनो एसिड से बने होते हैं। याद रखना एक प्रोटीन में ना अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, मतलब कि अपना अमीनो एसिड जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक अमीनो एसिड है ए, अब प्रोटीन में पूरे में ए ए लगाओ, प्रोटीन में क्या होता है कभी ए लगा है, कभी बी लगा है, कभी सी लगा है, तो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड लगे होते हैं, इसलिए प्रोटीन अपना क्या होता है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो मतलब डिफरेंट, पॉलीमर मतलब लंबी चेन। तो अमीनो एसिड तो अपना प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अपने डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड की लंबी चेन होती है, तो अपने प्रोटीन होता है हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अपना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एलिमेंट होते हैं, ये अपने सेल का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, कम से कम 50% ड्राई वेट सेल का प्रोटीन ही बनाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपने सेल में क्या है, आधे से ज्यादा प्रोटीन ही है। देखा जाए तो सेल के अंदर क्या होता है ना, 170 से ज्यादा अपने अमीनो एसिड होते हैं। देन फिर क्या होता है ना, सिर्फ 25 अमीनो एसिड जो है वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस में अपने यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। देन फिर अपन आ जाते हैं कि भैया प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये बताना भी बहुत जरूरी है तुम्हें। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन का अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होगा और एक होगा कंजुगेटेड। अब सिंपल क्या होता है ना, सिंपल प्रोटीन बिल्कुल सिंपल होता है साधारण, मतलब अगर अपना प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से बना है तो वो है सिंपल प्रोटीन। जैसे कि अपना पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन अपना सिंपल अमीनो एसिड है। फिर अपना टायरोसिन, ये भी सिंपल अमीनो एसिड है। फिर अपना आ जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन। अब कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं ना, अब जब अमीनो एसिड में कोई एक प्रोस्टेटिक ग्रुप हाईली तरीके से अटैच हो जाए, मतलब सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं ना, अगर अपना एक प्रोटीन में अमीनो एसिड के अलावा एक और कोई ग्रुप जुड़ा हो ना, तो उसे हम बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन।
जैसे कि अगर मान लो प्रोटीन है और उसके साथ अगर तुम्हारा फॉस्फोरस जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अपन फॉस्फो प्रोटीन। अगर लिपिड जुड़ा है तो उसे बोलेंगे लिपो प्रोटीन। मतलब एक तरीके देखा जाए ना, वो तो तुमने गाना सुना होगा ना, साथ ही साथ निभाना रे। अगर अमीनो एसिड के साथ अगर वो साथ ही उसका साथ निभाएगा तो वो अपन उसको बोलेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताया, लिपिड जुड़ा है अगर अमीनो एसिड के साथ तो लिपो प्रोटीन, फॉस्फोरस जुड़ा है तो फॉस्फो प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो हम बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन। तो बड़े ही इजी तरीके से मैंने बताया। फिर अपन बात करते हैं भैया अपने प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये बड़ा ही जानना तुम्हें बहुत जरूरी होता है कि अपना प्रोटीन अपनी बॉडी में फंक्शन क्या करता है। तो मैं बताऊं, जो भी तुम सोच रहे हो ना सेल करता होगा वो प्रोटीन ही करता है। मतलब आधे से ज्यादा काम तुम्हारा सिर्फ प्रोटीन ही करता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। तो अपना तुम देखो, प्रोटीन जो है ना वो अपना एंजाइम की तरह काम करता है, प्रोटीन ही अपना हार्मोन की तरह भी काम करेगा। और तुमने एक चीज सुनी होगी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वही है जो कि अपना क्या करता है ना, अपने जो सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ब्लड के अंदर अपना रहता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर अपना होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट है वो बना है आयरन से, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, वो प्रोटीन का बना होता है। और ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा बायोकेमिस्ट्री में। तो हीमोग्लोबिन भी अपना बना होता है प्रोटीन का। फिर अपना जो ब्लड जो रहता है, जो अपना क्लॉट होता है, उसका एक प्रोटीन रहता है फाइब्रिनोजेन, वो भी प्रोटीन होता है। मतलब सोचो तुम, वो एंजाइम की तरह काम करेगा प्रोटीन, वो अपना हार्मोन की तरह काम करेगा, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऐसे हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड को बहने से बचाएगा, वो भी एक प्रोटीन है। फिर अगर या मान लो तुम बहुत गुस्सा आ रहा है, मान लो तुम्हारे सामने लड़का है, उसका नाम है कलुआ का मोड़ो। अब कलुआ का मोड़ो जो है वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम उसको मारना है, तुम मारोगे क्या करोगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए भी अपने जो प्रोटीन रहते हैं ना एक्टिन मायोसिन, वो भी एक्टिन मायोसिन भी अपने प्रोटीन ही होते हैं। अब तुम बोलोगे सर आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टरी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी प्रोटीन होते हैं, तो उनको याद हो जाता। बट तुम देखो, मैंने कलुए का मोड़ा या मैं जो भी चीज तुम्हें बोल रहा हूँ ना फनी वे में, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि माइंड का मैक्सिमम हिस्सा वो होता है जो फनी चीज याद करता है। तो देखो यार, मेरे पढ़ाने की टेक्निक ही ऐसी है, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है ना, सॉरी एमबीबीएस पे आओ, बड़े इजी वे में तुम्हें पढ़ाता हूँ, और ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें साल भर याद रहेगा, ठीक है। तो फिर अपन एल्बुमिन की तरह भी स्ट्रक्चर करता है, मतलब जो अपन जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन में भी अपना प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट बताया जाए तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी में कभी आए ना, आपको ऐसे लिखना, पहले प्रोटीन की हेडिंग डालो, प्रोटीन के बारे में लिखो, फिर उसके आप लिखो कितने टाइप में प्रोटीन क्लासिफाई करा है, फिर उसके सारे फंक्शन लिखो, फिर आप लिखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहले आप उसमें लिखा डेफिनेशन क्या होता है, ये अपने प्रोटीन का ही होता है, इसकी पॉलीपेप्टाइड से बनता है, फिर आप एक पॉलीपेप्टाइड बना के बताओ, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है पूरा लिखो, जो तुमने बनाया वो लिखो, कि अपना कार्बोक्सिलिक एसिड OH ले लिया, फिर NH2 का H ले लिया, पानी निकाल दिया, फिर इस तरीके तुम स्टेप बाय स्टेप चीज लिखते जाओ। फिर तुम लिखना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर वहां अपन पढ़ते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना, इधर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बना हुआ है कुछ नहीं है, एक अमीनो एसिड का लीनियर स्ट्रक्चर तुम बना देना या लिख भी देना। लीनियर सीक्वेंस जो होता है ना अमीनो एसिड का, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है ना, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर फॉर्म प्रोटीन। मान लो कि ये एक पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसी एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसी एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दोनों चेन जब आपस में पेप्टाइड मोड में जुड़ेंगे ना, तो पूरा अपना एक प्रोटीन बना देती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ती जाएंगी और अपना प्रोटीन बनाती जाएंगी, ठीक है ना। अब अपनी जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इसके अंदर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस रहता है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। मतलब हर प्रोटीन का अपना अलग ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस अपना डिपेंड रहता है डीएनए पे। डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो रहता है ना, उस पर यह सीक्वेंस डिपेंड होता है। यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर मैंने तुम्हें बताया था अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो दो प्रकार से होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा हेलिक्स जो है ना, मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये तुम याद रख लेना। किससे बनता है, हाइड्रोजन मोनोहाइड्रेट की स्टेबिलिटी होती है, उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अपना होता है क्रिएटिन। क्रिएटिन अपना अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। फिर बीटा प्लीट कैसे होता है, जब दो प्राइमरी एक दूसरे के सामने होंगे और उन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा, तो वो अपना बन जाता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, तो क्या रहता है, तुम यहाँ पर देखो, अभी अपना एक पॉलीपेप्टाइड है, उसमें अपना ये लगा है एक H, और दूसरी पॉलीपेप्टाइड है अपना ये O। अब इन दोनों के बीच में अगर इस तरीके से अपना इंटरेक्शन होने लगता है, देखो बॉन्ड तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बीटा प्लेटेड का मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर अपना होता है फाइब्रोनिन, जो अपना सिल्क प्रोटीन जो रहता है ना, वो ना बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है।
फिर अपन आते हैं टर्शरी। टर्शरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये होता है कि टर्शरी कैसे बनता है। उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, आयनिक इंट्रैक्शन हो, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो, जब अपनी एक से ज्यादा इंट्रैक्शन होते हैं तो अपना बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर अपना आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो तो वो अपना होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसमें भी एक शॉर्ट नोट आया है और मेरी एमपी की यूनिवर्सिटी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी वीडियो तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और मैंने तुम्हें ना बहुत फास्ट में सारी चीज पढ़ा दी, क्योंकि मैं और डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो, मैं काम की चीज तुम्हें पढ़ाता हूँ। So thanks for watching and keep learning.